ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। हिंदू जागरण मंच के राष्ट्ररक्षकों द्वारा ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में मंडलायुक्त को एक ज्ञापन श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर की संपदा के संरक्षण हेतु दिया। नगर कमेटी और युवा वाहिनी के सैकड़ों राष्ट्ररक्षक उप जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए और ज्ञापन उप जिलाधिकारी को नारेबाजी करते हुए सौंपा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि त्रिपुर माँ बाला सुंदरी क्षेत्र स्थित देवी स्थान की भूमि पर अपने नाम दर्ज कराकर पुजारी लोग बिक्रे कर चुके हैं तथा ध्यानु भगत के बाद को भी कटवा कर कॉलोनी कटवाना चाहते हैं, जो की देवी मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा एवं पवित्रता के लिए खतरा बनेगी। जिला मंत्री दीपक सिंह, नगर अध्यक्ष मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष पूर्ण शर्मा व मंडल अध्यक्ष सुनील सिसोदिया ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिक्रे या अपने नाम नहीं कर सकता। यदि ऐसा हुआ है तो उसकी जांच कराकर दोषी लोगों को जेल भेजा जाए। ज्ञापन देने वालों में ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट, दीपक सोम जिला मंत्री, रुद्र मिश्रा नगर अध्यक्ष, अतुल शर्मा नगर उपाध्यक्ष, अनुप सैनी नगर मंत्री, चौधरी शीशपाल सिंह संयोजक, मोहित सिंह संयोजक, अजय प्रजापति अध्यक्ष युवा वाहिनी, अनुज प्रजापति उपाध्यक्ष, वैभव धीमान संयोजक, अजय कुशवाहा संयोजक तथा भारी संख्या में राष्ट्र रक्षक मौजूद रहे। युगों पुराना यहाँ मंदिर है, जिसकी संपत्ति है उसे बेचने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना दैविक संपत्ति किसी के नाम हो सकती है। अगर इन लोगों ने कागज बनवाए हैं तो वे गलत है। सरकार के प्रतिनिधि मंडलायुक्त महोदय सहारनपुर को हमने ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जो दैविक संपत्ति है, जो मेला ग्राउंड की संपत्ति है, जो सरकारी भूमि है, उस पे से तमाम अतिक्रमण हटवाया जावे और यहाँ का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी हमने मांग की है और अगर हमारी मांगों पर सरकार द्वारा सही तरीके से ध्यान न दिया गया तो हिंदू जागरण मंच इसके लिए समग्र आंदोलन करेगा। और आज पूरे तरीके से हमारी युवा वाहिनी और नगर वाहिनी पूरे तरीके से आक्रोशित है और चाहती है कि इसका समाधान मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से जल्दी से जल्दी।